कागा हिमालय में एक बड़ी अद्भुत गुफा थी और देवसी नारद जी वहां पर तप कर रहे थे। नारद जी को श्राप लगा हुआ था दक्ष प्रजापति का कि गैया का दूध आ जाए इतनी देर से ज्यादा तुम कहीं रुक ना पाओ, लेकिन उत्तराखंड की भूमि ऐसी है यहां श्राप का कुछ असर नहीं हुआ नारद जी के ऊपर, तो नारद जी वहां तप में बैठ गए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मुनिगत देख सुरेश डराना, देवसी नारद जी का तप देख करके इंद्र भयभीत हो गया, क्यों गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठा हुआ आदमी बड़ा भयभीत होता है, डरता है कहीं गद्दी ना चली जाए। इंद्र को लगा के कहीं इंद्रासन लेने के लिए नारद तप तो नहीं कर रहे, उनको ऐसा लगा। तो तेहि आश्रम ही मदन जब गए हो निज माया वसंत निर्मय हो कुसमत विविध बिटव बहुरंगा कूजे कोकिल गुंजे। देवराज इंद्र ने कामदेव का संग किया, सहारा लिया। रंबाधिक सुर नारी नवीना, जब आप भजन करोगे तो दो चीजें सामने चल के आएंगी, साधना करोगे तप करोगे तो दो चीजें चल करके आएंगी, एक का नाम होगा कंचन और एक का नाम होगा कामिनी। ये ब्रेक लगा देंगे, ये बैरियल डालेंगे, ईश्वर की लीला ही ऐसी अद्भुत है। देवराज इंद्र भी ऊपर के लोगों में जिस समय आयुधों के लिए ब्रह्मस्त्रों के लिए गए तो उनके सामने भी अप्सरा चल के आई। अर्जुन डिगे नहीं, उन्हें श्राप जरूर नपुंसक बनने का मिल गया लेकिन वो अपने आप में वो डिगे नहीं। साधक इन दोनों को जीत ले तो उसकी साधना अपने आप में परिपूर्ण हो जाती है, जो डिगता नहीं है कृष्ण उसी के ही तो रथ में जाके बैठ जाते हैं महाभारत में विजय दिलाने के लिए, जो डिगता नहीं है जो अपनी जगह पर अडिग रहता है। एक कंचन और कामिनी, आपका भजन आपकी साधना आपकी आराधना जैसे आगे बढ़ेगी तो धन आपको ब्रेक लगाएगा, पैसा उठ पटांग पैसा आएगा, अन्याय होगा अपराध होगा, 48 दोष हैं धन में, अन्याय का पैसा आएगा और वो बुद्धि खराब करेगा। एक कामनी स्त्रियां मिल जाएंगे, स्त्रियों को पुरुष मिल जाएंगे, व्यभिचार होगा दुराचार होगा अन्याय होगा अपराध होगा, बस वही ब्रेक लग जाएगा, फिर आदमी किसी काम का वहां रहता नहीं, वो खत्म हो जाता है। जिस व्यक्ति के चरित्र के ऊपर दोष लग गया है, ग्रंथ तो ये कहते हैं जिंदे रहने के बाद भी वो मृत है। जिस व्यक्ति का चरित्र खंडित हो गया है ऐसे व्यक्ति को छू करके ऐसे स्नान करना होता है जैसे शमशान घाट का धुआं लगने से व्यक्ति को नहाना पड़ता है। उस व्यक्ति को इतना अपवित्र माना, उसको इतना शुद्ध माना गया हमारे ग्रंथों में। इसलिए हर प्रकार से चरित्र को ही तो बचाना है। हनुमान बनिए, तुम तो हो क्या, हनुमान जी भी जाते हैं रास्ते में सुरसा चल के आ जाती है, सुरसा को हनुमान जी ने माँ कह करके संबोधन किया। नारी को माँ बनाकर बहन बनाकर या बेटी बनाकर के ही जीत सकते हो, नहीं तो ग्रंथ कहते हैं सांप के फण से तुम बच जाओगे लेकिन नारी के फण से नहीं बच पाओगे। बिच्छू के तो अकेले डंक में ही जहर रहता है, सर्प के सिर्फ मुख की थैली में विष रहता है लेकिन इस नारी के अंग अंग में विष रहता है, अंग अंग में जहर रहता है। इसने मार डाला तो 3 लोग 14 भवन में कोई बचाने वाला ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि आपकी जब साधना बढ़े तो ये सावधान हो जाना कि नारी के अंदर मातृत्व का दर्शन करना, दूसरे के धन से ऐसे बच के रहना जैसे कोई व्यक्ति सल्फात से जहर से बच के रहता है, नहीं तो दोनों चीजें खत्म कर देंगे। साधना बढ़ती है तो वैभव आता है, यश आता है, मान आता है, सम्मान आता है। जब ये चीजें आती हैं तो आदमी घमंडी बन जाता है और जब घमंडी बनता है तो उसका पतन होता है। देवसी नारद जी साधना में बैठे थे, देखो विवदान आ रहा है, कैसे आ रहा है विवदान। देवराज इंद्र ने कामदेव का सहारा लिया और कहा कि तुम्हें जाना पड़ेगा। रंबाधिक सुर नारी नवीना, अप्सराओं को साथ में लेकर के चला पहुंचा, लेकिन गोस्वामी जी ने इतनी अद्भुत चौपाई डाली है, काम कला कछु मुनि व्यापी, काम कला कछु मुनि व्यापी, निज भय मनोभव पापी। कामदेव का कोई भी प्रहार महात्मा के ऊपर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, हृदय में राम का नाम चल रहा था। जिसके हृदय से राम निकल जाएगा काम उसके ऊपर अपना प्रभाव दिखा देगा।
कोई पुरुष तुम्हारे सामने आवे, रावण का कोई असर सीता माई के ऊपर नहीं, क्योंकि हृदय में राम का नाम चल रहा है। इसलिए संसार की इस मार से भगवान का नाम ही बचा पाएगा, क्योंकि जहां राम तहीं काम नहीं, जहां राम होगा वहां काम हो ही नहीं सकता। कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता यदि हृदय में भगवान का नाम चलता रहेगा। यदि किसी स्त्री को देख करके नियति में खोट आ गया है तो 100% तुम्हारे भजन का कबाड़ा हो गया, तुम्हारा भजन खत्म हो गया। जब तक भजन की सत्ता है, भजन की ताकत है, काम क्या बिगाड़ेगा। गोस्वामी जी ने कितना सुंदर लिखा है, नारद जी का कुछ नहीं बिगड़ा, क्यों? सीमे के चापे सकें बहुत गारी चपाई सीमी की चाप सके को विभाग से भैया चंद्रमणि त्रिपाठी, जो बहुत एक लंबे समय के लिए मेरी सेवा में रहे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट से आप आए, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा आदर है। बहुत लंबे समय के लिए आपकी ड्यूटी रही है गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, भगवान की बड़ी कृपा है। उत्तर प्रदेश सुरक्षा विभाग ने भी सुरक्षा दी है, जहाँ भी हम पहुँचते हैं तो वहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा सुरक्षा तैनात की जाती है। तो सरकार को भी पता लग गया है कि इस आदमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कोई दिक्कत ना हो जाए। त्रिपाठी जी आप आए, बड़ा अच्छा लग रहा है, बैठिए के बैठिए। तो सीमक चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापत जासु। लक्ष्मीपति भगवान जिसके रक्षक हैं भैया, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। ध्यान रखिए, जिसके रक्षक भगवान है उसका कौन बिगाड़ सकता है। लेकिन भगवान रक्षा कर रहे होंगे, घमंड आ गया होगा, अभिमान आ गया होगा, तो भगवान छोड़ के चले जाएंगे। तो जब भगवान छोड़ के चले जाएंगे तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा। भले ही पिता में भीष्म क्यों नहीं खड़े हैं तुम्हारे बगल में, इच्छा मृत्यु का वरदान लिए हुए, चाहे उस जमाने का श्रेष्ठ धनुर्धर गुरु द्रोणाचार्य क्यों नहीं खड़े, चाहे सात चिरंजीवियों में से अश्वत्थामा क्यों ना हो, यदि भगवान ने छोड़ दिया है, परमात्मा ने छोड़ दिया है, तो कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए मैं प्राय कहता रहता हूं, आप कितने भी विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, नौकरी में हैं, आप डॉक्टर हैं, कलेक्टर हैं, थानेदार हैं, तहसीलदार हैं, कोई भी दार हैं आप, बहुत दुनिया भर की डिग्रियां हैं आपके पास में, यदि भवसागर से तैरने की डिग्री नहीं है तो सगरी डिग्रियां बिल्कुल बेकार। आप किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी लाइन में हैं, अपने घर से भगवान का नाम लिए बिना नहीं जाइए। सुबह शाम थोड़ा बहुत भगवान को याद कीजिएगा। परमात्मा को जो याद करता है, भगवान उसका कभी संग नहीं छोड़ता, परमात्मा अपना चक्र लेकर उसके संग संग चलता है। तमाम डिग्रियां आप ले लें, यदि भवसागर से तैरने की डिग्री नहीं है तो बेकार है। एक नाव में तीन मित्र बैठे थे, एक डॉक्टर साहब थे, एक वकील साहब थे,
और उनके साथ में एक इंजीनियर साहब थे, नाव में बैठे थे, केवट नाव चला रहा था। नाव आगे बड़ी, डॉक्टर साहब ने कहा मलेरिया हो जाए तो कौन सी दवाई लेनी पड़ेगी। उसने कहा साहब हमें नहीं पता, डॉक्टर साहब जो दवाई दे देंगे वही हम ले लेंगे। डॉक्टर ने कहा क्या मूर्ख बसते हैं देश में, जिनको ये भी नहीं पता कि छोटी मोटा बुखार आ जाए तो कैसे ठीक हो जाएगा, तेरी तो चाराना जिंदगी यूं ही चली गई। नाव आगे बढ़ी, इंजीनियर साहब ने पूछा कहा ये बता 30x60 के प्लॉट में यदि मकान बनाया जाए तो ईंट कितनी लगेगी। केवट ने कहा टूटी झोंपड़ी में रहता हूँ, मुझे क्या पता है। तो इंजीनियर साहब बोले क्या तेरी जिंदगी है, तेरी तो चाराना जिंदगी यूं ही चली गई। इतने में वकील साहब बोले कि बताइए कि कोई किसी की दांत से नाक काट ले तो धारा कौन सी लगेगी। बोलता है कि साहब हमें क्या पता है। तो उसने उन्हें भी कह दिया तेरी क्या जिंदगी है, चाराना जिंदगी तेरी यूं ही चली गई। तो कुल मिला के कितनी चली गई, बारहाना जिंदगी चली गई। इतने में नाव बीच भंवर में जाकर के फंस गई। नाव केवट ने कहा साहब नाव फंस गई है, तैरना वैरना आता है कि नहीं। तीनों के तीनों बोले हमें कहाँ तैरना आता है। केवट ने कहा साहब मेरी तो बाराई आना गई थी लेकिन तुम्हारी तो गई सोले हुआ ना। नाव डूबी, केवट छलांग लगा करके किनारे पर पहुंच गया। तो तीनों जनों की कोई डिग्री किसी काम नहीं आई। मेरी पवित्र व्यासपीठ कहती है आपको कोई भी पद प्रतिष्ठा मिली हो लेकिन ईश्वर से करीब रहना, ईश्वर से जुड़ के रहना। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है बड़ रखवार रमापत जासु, जिसकी रक्षा भगवान करता है दुनिया में उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसको भगवान ने छोड़ दिया है दुनिया में उसको कोई संभाल नहीं सकता। अभिमान आएगा, घमंड आएगा, परमात्मा उसे छोड़ देगा। इसी संदर्भ में ये कथा कही गई है। आज कामदेव ने गले में माला डाल दी, चरणों में गिरपड़ा और कहा कि मैंने बड़े बड़े धीर पुरुष तपस्वी देखे। नारद जी को कहा लेकिन तुम जैसा काम विजेता मैंने आज तक कोई देखा नहीं। बस यही सब सुन के घमंड आ गया। इसलिए तो बढ़िया लोग अपनी लोग बड़ाई नहीं सुनते, बड़ाई कोई करता है तो कान में उंगली डाल लेते, तो अपनी प्रशंसा के गीत सुनते नहीं है, क्योंकि प्रशंसा के गीत सेहत से भी मीठे होते हैं। लेकिन इनको सुनकर के घमंड आ जाए तो व्यक्ति की कमर टूटती है, फिर वो बचता नहीं है कैसे। तो नारद जी को कामदेव तो परास्त नहीं कर पाया लेकिन प्रशंसा के गीतों ने नारद को खत्म किया, अभिमान आ गया। जब ये सुना कि इस सृष्टि में एक नारद ऐसा हुआ है जिसने काम के ऊपर विजय प्राप्त करी, तो अब तो नारद ने मन में विचार किया कि ये बात मैं देवताओं को कहूंगा। तो सबसे पहले ब्रह्मा जो उनके पिता है, ब्रह्मा जी के पास कहे का पिताजी एक समाचार तुम्हें पता है कि अब कामदेव का बच्चा है, ऐसी धूल चटाई मैंने, वो भी कह के गया है कि तुम सबसे बड़े काम विजेता। यानी वो अपने पिता को कहना चाहते हैं कि तुम तो काम को नहीं जीत पाए लेकिन मैंने कामदेव को जीत करके बता दिया। ब्रह्मा ने कहा बेटा मुझसे तो तुमने ये बात कह दी लेकिन आगे मत कहना नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। नारद जी ने कहा अच्छा 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 अच्छा, इसलिए ये ना हो जाए कि बाप से बेटा आगे निकल गया। नारद जी ने गलती कर दी समझने में, अहंकार ऐसा ही तो करता है। दुनिया का हर पिता अपने पुत्र की तरक्की चाहता है लेकिन नारद जी ने उसका अर्थ गलत ही निकाल दिया। और नारद जी को इतने में ही शांति नहीं मिली, वो शंकर जी के पास पहुंच गए। गोस्वामी जी ने लिखा है तब नारद गबने से वो पाई जिता काम अहिमित मन माई, अहंकार के साथ बोले महादेव को कहा पता है तुम्हें एक समाचार। शंकर जी ने कहा हमें नहीं पता, अरे वो कामदेव का बच्चा आया ऐसी धूल चटाई ना कान रगड़ के गया, मैंने कामदेव को जीता। शंकर जी के आंख में आंसू आ गए। मारचत शंकर ये सुनाये तो प्रिय जान में ही सिखाए। शंकर जी ने कहा बार बार विनमोहन तो ही जमी कथा सुनायु, मोई तिम जन हरिये सुनायु न कब। तुमने जो मुझे सुनाया है अभिमान में भरी हुई बातें, ये भगवान विष्णु को मन सुना देना, क्योंकि परमात्मा के सामने कोई घमंड की बात करता है तो उसके सिगरे पुण्य छीण हो जाते। तो वहां तो ऐसा बोला जाता है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। सिपाही भगवान के सामने आरती में खड़ा होता है तो अपनी टोपी उतार लेता है, कैप उतार लेता है, प्रणाम करता है तो कैप उतार लेता है। कहा जाता है कि उससे बड़ा अफसर, उससे बड़ा उद्योगपति, उससे और कोई बड़ा श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। कोई लोग उसे प्रणाम करते तो अपनी पगड़ी उतार लेते, उसके चरणों में अपनी पगड़ी रख देते।
उसके दरबार में कुछ बन करके नहीं, राई के बीसों से ताबी से पुनी बीस, ताते छोटे है रहे हो तब मिले हैं जगदीश। उसके दरबार में तो जितना छोटा बन करके रहोगे उसकी कृपा की अनुभूति तब ही कर पाओगे। जिसने घमंड अभिमान दिखाया तो उसको तोड़ने में बिल्कुल देर नहीं लगती। शंकर जी ने मना किया, शिव तो गुरु हैं और गुरु तो समझाता ही है। शंकर जी ने समझाया, क्या कहा, बार बार विनय वहु मुनि तोई, बार सम्मोदीन उपदेश हित नहीं नारद ही स्वाहान। जब घमंड इंकार बैठता है सिर खोपरिया के ऊपर तो महापुरुषों की बातें अच्छी लगती नहीं। भरद्वाज को तो सुनो हर इच्छा बलवान, महर्षि आगवल कहते हैं भरद्वाज सुनो ईश्वर की इच्छा कैसी है, नारद जैसे तपस्वी की क्या हालत हो गई है। कथा सुनाई जा रही है, राम की चाहिए सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई, जो भगवान चाहेगा भैया वही होगा। अभिमान सिर पर बैठ गया, अहंकार कितना खतरनाक है। रामायण में जहां एक बार शब्द आया है वहां कोई न कोई घटना घटी, यहां भी एक बार शब्द आया, एक बार कर पहले कभी नारद को अभिमान नहीं आया। वो वीणा बजाते हुए चीर सागर में गए, पहले भगवान के चरणों में बैठते थे आज भगवान के बगल में बैठ गए, और हमेशा बड़ों के चरणों में ही बैठने में आनंद है। आखिर में तो ईश्वर हैं, भगवान हैं, उनके वैसे भी किसी के आसन पर बैठना नहीं चाहिए, तो वो अभिमान धरती पर बैठने का देता है। तो नारद जी भगवान के बिल्कुल बगल में बैठ गए। काम चेत नारद सब भागे, शंकर जी ने मना किया, जद्यप प्रथम वरज शिव राखे, महादेव ने मना किया तो भी नहीं माने। जाके कहा, प्रभु आपको पता है एक नई घटना घट गई है। नारायण ने कहा, नारद जी आप आए नहीं, समाचार तो आप ही देते हैं, अब हमें क्या पता क्या हुआ। अरे वो कामदेव का बच्चा आया मेरे सामने, मैंने ऐसी धूल चटाई उसे, नाक कान पकड़ करके माफी मांग के गया, और ये और बोल के गया है कि इस दुनिया पे दुनिया में तुम जैसा काम विजेता अभी तक कोई जन्मा नहीं। अभिमान भरी बातें नारद जी बोले। नारद कहू सहित अभिमान, स्पष्ट गोस्वामी जी ने लिखा है ना, नारद कहू सहित अभिमाना कृपा तुम्हारी सकल भगवान, झूठ मूठ में कहते सब आपकी कृपा है।
तो भगवान का एक संकल्प है, क्या है, भगत के हृदय में अहंकार का यदि अंकुर निकल जाए तो भगवान कहते हैं मेरी प्रतिज्ञा है उसे जल्दी उखाड़ देता हूं। वो कहते हैं बेग सुमे डारे उखारी पन हमार सेवक हितकारी। यह हमारी प्रतिज्ञा है कि हम हमेशा अपने सेवक का हित चाहते हैं, उसका अनहित नहीं चाहते। उसके अहंकार के रुखड़े को उखाड़ करके फेंक देते। तो भगवान ने अपनी व्यवस्था कर ली कि अभिमान का रुखड़ा कैसे उखड़ेगा। नारद जी कहते हैं अब मैं चलूं, वो तो सर्टिफिकेट लेने के लिए आए थे कि कामदेव को जीता है। परमात्मा ने एक भी बार नारद को रोका नहीं। पहले नारद जी को चार चार दिन तक भगवान जाने नहीं देते। सीधी सी बात है, घमंडी बनकर के जियोगे, अभिमान के सहित जियोगे, परमात्मा अपने पास रहने नहीं देगा। अहंकार को जीते, अभिमान बड़ा खतरनाक। भगवान कृष्ण ने गिरिराज उठाए गोवर्धन, ब्रजवासियों ने पूछा कन्हैया इतनी ताकत कहाँ से आई, गिरिराज तूने उठा कैसे लिए? तो गोविंद क्या बोले, कछ माखन को बड़ बड़ो कछ गोपिन करी सहाय, और राधे जो की कृपा सो गिरवर लियो उठाए। उसमें अपनी कोई बात ही नहीं गई। कौशल्या माता ने प्रभु राम को पूछा, राम ये बताओ रावण को तुमने कैसे मारा? तो मेरे प्रभु राम ने क्या कहा, अभिमान न आ जाए कहीं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा धनुज रन मारे। माँ मैंने तो कुछ किया नहीं है, तो गुरुदेव की कृपा थी सब, और यहाँ तो थोड़ा सा कुछ कर देगा, हमने किया हमने किया हमने किया हमने किया हमने किया हमने किया। तुम तब तक यही कर सकते हो जब तक उसकी कृपा दृष्टि है। उसकी कृपा हट गई ना तो पुरुषार्थ की लाठियां टूट करके धरी रह जाए। आपसे कुछ अच्छा हो रहा है तो कृपा निधान की कृपा समझिए, धन्यवाद उनका कीजिए। दुनिया में हम जैसे लाखों लोग हैं, लेकिन ऐसा अच्छा काम करने के लिए अवसर भगवान ने हमें दिया है, परमात्मा का धन्यवाद। हम तुम जैसे तो बहुत पढ़े लिखे लोग घूम रहे, उन्हें काम नहीं मिल रहा, ईश्वर ने तुम्हें अच्छा काम दे दिया है, और ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। बेगी सुमे डारे उखारे, बेगी सुमे डारे उखारे, पन हमारे से बखेतकारी। इस चौपाई को यदि ठीक से पढ़ लोगे तो ईश्वर से दूर नहीं जाओगे। भगवान कहते पन हमार सेवक हितकारी, ये मेरा पन है, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अपने भक्त का अनहित नहीं होने दे, उसका हित। थोड़ा बहुत दुख भी आया है तो बुखार को खत्म करने के लिए इंजेक्शन लगाना पड़ता है। अब कोई डॉक्टर को गालियां दे है, ये कहे कि इतना सुई कुछ दिया, इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, उसने तुम्हारी बीमारी को दूर करने के लिए थोड़ा सा दुख दिया है, और यही रीति भगवान की। तो मैं सुधारने के लिए, बनाने के लिए थोड़ा सा कहीं कष्ट भी आ गया है तो कष्ट को कष्ट न समझिए, भगवान की दया उसकी कृपा समझिए। तो वो भगवान कहते हैं पन हमार सेवक हितकारी, यह हमारी प्रतिज्ञा है कि हम सेवक का अनहित में अहित नहीं होने। नारद जी चल पड़े, उधर से आ रहे थे बद्रीनाथ की तरफ से, केदारनाथ की तरफ से। तो हरिद्वार से पहले सुनिए, हरिद्वार से पहले भगवान ने अपनी लीला से एक नगर बना के तैयार कर दिया जिसका नाम है श्रीनगर। जब ऋषिकेश से आगे रुद्रप्रयाग की तरफ आप जाते हैं तो रास्ते में ही है ये श्रीनगर, आज भी है ये, वही स्थान है जिसका निर्माण भगवान ने अपनी माया से किया था। वहां एक राजा बना के तैयार कर दिया जिसका नाम था शील निधि, उसके एक बिटिया बना के तैयार कर दी जिसका नाम था विश्व मोहिनी तास कुमारी, उसका नाम था विश्व मोहिनी। नारद जी विरचेव मगमहु नगर ते सत योजन विस्तार, 100 योजन लंबा चौड़ा, 400 कोस की लंबाई चौड़ाई में बसा। एक योजन में 4 कोस होते हैं तो 100 योजन का था। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार, ऐसा बनाया कि वैकुंठ लोक जैसा लग रहा था। नारद जी आए,
सुबह ही सुबह का समय था, सोचने लगे कि ये इतना सुंदर नगर, इतनी सुंदर सजावट है क्या। लोगों को पूछने लगे तो लोगों ने कह दिया कि सील निधि राजा की बेटी विश्वमोहिनी उसका स्वयंवर है, और ऐसी स्त्री तो अभी तक धरती पर पैदा ही नहीं हुई, इतनी सुंदर है। जब कहा इतना इतनी सुंदर है तो ईश्वर की ऐसी लीला हुई, देखो वहां कामदेव परास्त नहीं कर पाया, या अभिमान आया तो काम भी आने को तैयार हो गए। सीधे राजा के दरवाजे पर पहुंच गए, राजा ने चरण वंदन प्रणाम किया और अपनी बेटी को बुलाया, कहा गुरुजी स्वयंवर होने वाला है, थोड़ा बिटिया का हाथ देखो, हस्तरेखा देखो। लक्षण तासो बिलो के भुलाने, हृदय हर से नहीं प्रगट बखान। हाथ में तो रेखाएं ऐसी पड़ी थी, कैसी रेखा पड़ी थी, जो यह बरह अमर सोई होई। इस कन्या का विवाह जिसके साथ होगा वो कभी मरेगा नहीं, अमर हो जाएगा। इस कन्या का विवाह जिसके साथ होगा वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, वो जवान बना रहेगा। सेव है सकल चराचर ताई, जो इसके साथ विवाह करेगा पूरी सृष्टि उसकी पूजा कर रही होगी। तो नारद जी के मन में बात आई तो क्यों नहीं ये विवाह हमारे संग हो जाए, तो हम बूढ़े नहीं होंगे, हम मरेंगे नहीं, और हमारी पूजा पूरी दुनिया में बढ़ जाएगी। ये अभिमान का ये सब स्रोत है, देखो अभिमान आया। अब अभिमान अपना कितना खानदान लेके आता है, यश चाहता है, कीर्ति चाहता है, वैभव चाहता है, लंबी उम्र चाहता है। जिस नारद ने कभी मन में सोचा भी नहीं था वो बातें सब चल के आ गई। फिर सोचने लगे हम बूढ़े हैं तो राजा की बेटी हमारे गले में माला डालेगी कैसे। तो सोचा कि हमने नारायण की इतनी पूजा की है, इनके हम नौकर लगते हैं क्या, जो हमने अभी तक इतना भजन किया है उसका फल आज मांगेंगे। और तो फल में क्या मांगेंगे, हरि सन मांगो सुंदर सार की वस्तुएं मत मांगिए, एक कंकड़ पत्थर मत मांगिए। नारद कहते हैं भगवान से सुंदरता मांगो। नवरात्रा आपने की है क्या, मैया भवानी से आपने ये कह दिया होगा कि हमें ब्रह्मांड सुंदरी बना दीजिए, हमें सुंदर बना दीजिए। और जो संसार की ऐसी चीजें मांगते हैं हमको तो मांगना भी नहीं आया। एक बार भगवान शंकर, सुनो सुनो सुनो, एक बार भगवान शंकर पार्वती के साथ कहीं निकले तो रास्ते में पार्वती मैया ने देखा एक पति और उसकी पत्नी और एक बेटा, तीनों भीख का कटोरा लिए हुए बैठे हैं, पता नहीं कितने दिनों से उन्होंने भोजन नहीं किया। तो माताओं का तो स्वभाव दयालु कृष्ण का होता ही है। मैया पार्वती ने कहा बेचारे तीनों बड़े दुखी हैं, भूखे हैं, इनको कुछ मांगे दे दो ना। भोलेनाथ कहते हैं पार्वती मैं तो सबको देना चाहता हूं लेकिन करूं क्या, ये लोग मांगना ही नहीं जानते, इनको मांगना ही नहीं आता। पार्वती मैया ने कहा तो मेरे आगे दो, उनको जो जरूरत है वही वो मांगेंगे। तो शंकर जी पहुंच गए तीनों के पास, भोलेनाथ ने कहा मैं तुम्हें कुछ देने के लिए आया हूं, मांग लो। पत्नी ने कहा पहले पति मांगेगा, पति ने कहा पहले पत्नी मांगेगी, पत्नी ने कहा चलो हमारा बेटा मांगेगा, बेटे ने कहा नहीं मम्मी मांगेगी। तो मम्मी ने क्या मांगा, माँ ने क्या मांगा, कहा कि यदि आप हमें देने के लिए आए हो तो हमें ये दे दो कि दुनिया में हम जैसी कोई सुंदर स्त्री दूसरी ना हो। ये माताएं सुंदरता ज्यादा मांगती हैं, हमें सुंदर बना दो। शंकर जी ने कहा ठीक है तुम सुंदर, दुनिया में सबसे बड़ी सुंदर। तो वो स्त्री भिखारिन बनी बैठी थी वो एकदम वो तो रानी जैसी हो गई, सुंदर हो गई। राजा वहां से आखेट से निकला था तो उसने ऐसी सुंदर स्त्री पहली बार देखी, उसने घोड़ा रोका और उस स्त्री को अपने घोड़े पर बिठा के लेके चला गया। अब वो पुरुष बड़ा परेशान, उसने कहा भिखारिन बनकर मेरे पास और रानी बनी तो राजा के संग चली गई,
भोलेनाथ को कहने लगा मुझे भी कुछ मिलेगा क्या? शंकर जी ने कहा बिल्कुल मिलेगा, मांग तो सही। तो कहा कि जहां भी ये पहुंची हो वहीं ये कुतिया हो जाए, कुतरिया बन जाए, तो राजा के वो सुवरिया बन जाए, सुवरिया बन जाए। तो वो राजा के बगल में बैठी थी गद्दी पर, जैसे उसने वरदान मांगा शंकर जी ने कहा दिया, तो एक सेकंड में वो तो सुवरिया बन गई। जैसे ही सुवरिया बनी तो राजा ने एक लात मारी, सो धड़ाम से मंच के नीचे गिरी, परेशान भारी। अब इतने में उस बेटे का नंबर आया, बेटे को भगवान महादेव ने कहा तू मांग क्या चाहिए? तो कहता है कि हमारी माँ जैसी थी वैसी ही हो जाए, ये मांग दे दो। शंकर जी ने कहा कि देख पार्वती, तीनों ने मांगा लेकिन है वही की वही, कुछ भी तो नहीं मांग पाए। आपने भगवान से संसार के पदार्थ मांगे, आप कुछ भी नहीं मांग पाए। नारद जी की गलती देखिए, गोस्वामी जी लिख रहे हैं क्या मांग रहे हैं, जहाँ भजन भक्ति मांगनी चाहिए, जहाँ भगवान मांगना चाहिए, भगवान को मांगना चाहिए। और वो क्या कहते हैं गोस्वामी जी लिखे हैं, हरि सन से सुंदरता मांगूंगा, और खड़े हो गए। राजा सील निधि ने कहा जरा बर वधु को आशीर्वाद देके जाइए। तो नारद जी ने कहा फिर द्वारा जल्दी आऊंगा, अभी मुझे जल्दी जाना है। नगर से जैसे ही बाहर आए तो सोचने लगे कि क्षीर सागर तक जाऊंगा तब तक स्वयंवर पूरा हो जाएगा, करूं तो करूं क्या। तो वहीं स्तुति करना शुरू कर दिया, जैसी स्तुति करी तो नारायण वहीं प्रकट हो गए। बोले नारायण देव भगवान की जय हो। भगवान ने कहा देवसी जी आपने याद किया और हम आ गए, मांगिए कैसे आपने हमें बुलाया, आप क्या चाहते हैं? बस भगवान की प्रेरणा थी, एक बात तो उनके मुंह से बड़ी अच्छी सी निकलवा दी, बड़ी प्यारी चौपाई है, जेई विद नाथ होई हित मोरा करहु सो बेग दास मित, जिसमें मेरा हित हो बेग जल्दी से वह कर दीजिए। मन तो मेरा ऐसा हो रहा है, भजन करते समय बहुत समय हो गया है, अब थोड़ा गृहस्थ का भी सुख भोगना है, इसलिए सौंदर्य दे दो। राजा शील निधि की कन्या का स्वयंवर है, हम आपसे सुंदरता मांगते हैं। तो भगवान ने नाभि के नीचे का जो शरीर था वो अपना दे दिया। तो भगवान से मांगा है तो भगवान को देना भी तो पड़ेगा ना, तो जो नाभि के नीचे का था वो अपना दे दिया, और नाभि के ऊपर का था वो बंदर का रूप दे दिया, बंदर दे दिया, बंदर का मुंह दिया। नाभि के नीचे का था वो अपना। बात तो बड़ी लंबी है, जहां संयम की जरूरत है वहां भगवान ने अपना स्वरूप दिया। निज माया बल देख विशाला ही हस बोले दीन दयाला, जेई विद होइए परमहित नारद सुनऊ तुम्हार, सोई हम करबनान कछु वचन न मरसा हमार, जिसमें तुम्हारा हित होगा हम वही करेंगे। तो भगवान ने ऐसा किया। आनंद की बात ही कि सबको लग रहा है कि मुंह बंदर का है, लेकिन नारद को लग रहा था कि हमारा मुंह भगवान का है। हमारे अंदर कमी कितनी है दूसरों को पता लगता है, ये समय हमें पता लग जाए कि हमारे अंदर कमी कितनी है तो व्यक्ति कमियों को निकाल कर भगवान की तरह बन जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उसको अपनी कमी नजर नहीं आती। हम दूसरों को कहते हैं तू इतना बुरा है, चार उंगलियां हमारी तरफ कहती हैं तू उससे चार गुना ज्यादा बुरा है, अपनी तरफ देखिए।
कबीर बाबा ने कहा था, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा अपना तो सच में मुझसे बुरा न। हम दूसरों के अंदर कमियां खोज रहे हैं, एक बार अपनी तरफ झांक करके देखें। दो मित्र प्रयाग गए थे कुंभ स्नान करने के लिए, एक महीना रहे, नहा के आ गए। तो उसने एक ने दूसरे से पूछा कि यात्रा कैसी रही, आनंद तो आया होगा। मित्र क्या थे, एक मालिक था एक उसका कोई नौकर चाकर था। तो नौकर ने कहा, साहब मैं तो कोई कुंभ नहाने को गया नहीं, मैं तो तुम्हारे पैसों की चोरी करने के लिए गया। अटैची तुम्हारी मैंने तोड़ी, मैंने तुम्हारे बैग की चेन तोड़ी, पता नहीं पैसे तुमने कहाँ छिपाए वो मिले नहीं, यहाँ तक कि मैंने तो तुम्हारे रजाई तकिए की खोलियाँ भी उतार के देख ली, लेकिन पैसा नहीं मिला, तुमने कहाँ छिपा के रखा। सेठ ने कहा, बेटा यही तो तू भूल कर गया, यदि तू अपने तकिए की खोली उतार के देख लेता तो मेरी गड्डी तुझे तेरे तकिए के अंदर मिल गई होती। हम दूसरों की खोलियां उतार उतार के देख रहे हैं, तुम इतने बुरे इतने बुरे, एक बार अपनी खोली उतार के देखिए। सास बहू से कह रही है तो इतनी बुरी है, बहू सास से कह रही है तो इतना बुरा है, तो इतनी बुरी है। बेटा बाप को कहता है, बाप बेटे को कहता है, एक बार अपनी तरफ तो देखो हम कैसे। जिस समय हमें अपने रूप का भान हो जाए उसी दिन आप नारायण हो जाओगे। हाँ, अपनी कमियां नजर आती नहीं है, दूसरों के ऊपर हम उंगली उठाते हैं। हमारे अंदर कितनी कमियां है दूसरों को पता है। नारद जी बंदर के रूप में है, नारद को नहीं पता। नारद जी तो सोचते हुए जा रहे, निज निज आसन बैठे राजा, सब लोग तो अपने अपने आसन पर आ गए और नारद जी दौड़ते हुए जा रहे, पता नहीं पहली वाली सीट खाली मिलेगी कि नहीं। भगवान की ऐसी कुछ लीला थी, सगरे सोफा भरे हुए थे, जहां से विश्व मोहिनी जयमाला लेके निकलने वाली थी पहले नंबर की कुर्सी खाली। नारद जी ने भगवान का धन्यवाद किया, बैठ गए नारद जी। है वो तो आप जानते हैं कि दूल्हा को ऐंठ अकड़ कितनी होती है। नारद जी जम करके बैठे, इतने में विश्व मोहिनी हाथ में माला लेकर के आई। जैसे ही बार आई तो सबसे पहले उसने बंदर देख लिया। गोस्वामी ने लिखा है, मरकट दे भयंकर देखी। जैसे ही बंदर का मुख देखा तो उसको तो बड़ा क्रोध आ गया कि मैं इतनी कुरूप हूं कि एक बंदर मेरे संग विवाह करने के लिए आ गया। तो उसने तो नारद और नारद की पंक्ति को दोनों को छोड़ दिया, पीछे वाली पंक्ति में चली गई। अब बाबा तुलसी को किसी ने प्रश्न कर दिया, चलो ठीक है नारद जी कुरूप थे लेकिन अश्विनी कुमार उस लाइन में बैठे थे, बड़े सुंदर थे, और भी बड़े बड़े सुंदर देवता वहां उस लाइन में बैठे, वरुण देव कितने सुंदर है वो भी उस लाइन में ही बैठे हुए थे। चलो ठीक है, नारद जी को बंदर का मुंह था तो उस पंक्ति में और भी तो बैठे थे, तो विश्व मोहिनी और भी तो किसी के सुंदर वर के गले में माला डाल सकती थी, लेकिन पूरी लाइन ही पंक्ति ही क्यों छोड़ दी। तो उसका कितना सुंदर जवाब दिया, कहा विश्व मोहिनी है माया और देवर्षि नारद जी हैं तपस्वी महात्मा। पहली बात तो यह है कि माया की इतनी ताकत नहीं है कि किसी तपस्वी साधक का वर्ण करके बता दे, उसके गले में माला डाल दे। तो हमने पूछा पूरी पंक्ति को क्यों छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया कि इस पंक्ति के जितने लोग थे वो एक महात्मा की पंक्ति में बैठे थे, और जो महात्मा की पंक्ति में बैठे होंगे वो माया की मार से हमेशा हमेशा के लिए बच जाएंगे, इसलिए पूरी पंक्ति छोड़ दी। साधुओं की लाइन में बैठोगे तो माया की मार से बच जाओगे। साधु तो कहते हैं, माया तू ठगनी हम जानी, हम जानते हैं तो कितनी ठगनी है। माया से वही बच पाएगा जो मायापति का भजन करेगा, मायापति के स्मरण में रहेगा। माया बड़ी खतरनाक। विश्व मोहिनी ने पूरी पंक्ति इसलिए छोड़ दी। तत्पश्चात अंत की पंक्ति में सबके बाद में भगवान नारायण बैठे हुए थे, और वहीं विश्व मोहिनी ने नारायण के गले में माला डाल दी, तालियां बजा दी जोर से। नारद जी को लगा माला मेरे गले में आई नहीं, जबलपुर के लोगों ने ताली कहां से बजाई। पीछे मुड़ करके देखा तो शंकर के दो गढ़ बैठे थे वहां। उन्होंने क्या कहा, बाबा दुल्हन ले गए लक्ष निवासा, तुम काय के लिए बैठे हो, दूल्हा दूसरा आया था दुल्हनिया को ले गया। भारी क्रोध, बहुत भारी, और नारद जी भागे। शंकर जी ने अपने गढ़ों को कहा, अब देखो लीला तुम भी जाओ इनके पीछे।
नारद जी भागते 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 भागते, और जैसे ही वो तो श्राप देने को भाग रहे थे, तो वहीं रास्ते में ही भगवान नारायण विश्व मोहिनी और लक्ष्मी को लेकर वहीं प्रकट हो गए। उनको प्रकट होने में कितनी देर लगी? मेरे प्रभु ने कहा, देवसी जी मैं इधर हूं, आप किधर जा रहे हैं? और आग बबूला हो रहे थे, तने दे गाली दे गाली दे गाली। लक्ष्मी मैया ने कहा, जो रोज तुम्हारा भजन करते और ये बाबा आज गाली क्यों दे रहे हैं? भगवान ने कहा कि साधुओं की तो गाली भी आशीर्वाद की ही तरह मानो लक्ष्मी, विवाह करके आए हैं और विवाह में तो गालियां पड़ती ही हैं। वहां से विश्व मोहिनी को ले आए, वहां गाली नहीं मिली तो बाबा ठीक पूजा यहाँ पूरी करने को आए। नारद जी को इतना क्रोध था, देवसी नारद जी ने कहा, दे हूं श्राप के मरी हूं जाई जगत मोरे उपहास कराई। श्राप दे डालूंगा या मर जाऊंगा या मार डालूंगा, पूरे जगत में तुमने मेरा उपहास करा दिया। वो मन ही मन बोलते जा रहे थे। बीच है पंथ मिले धनुचारी, भगवान तो बीच में ही मिल गए। बोले मधुर वचन सुरसाई, मुन कहीं चले विकल की नाई। भगवान ने ऐसे शब्द बोले तो कटे घाव के ऊपर नमक छिड़क दो, ऐसा हुआ। तो नारद ने क्रोध में कहा, पर संपदा सकव नहीं देखी तुम्हारी ईर्ष्या कपट विषय की। तुम एक नंबर के कपटी हो, दूसरों की तो संपत्ति देख नहीं सकते, दूसरों की वृद्धि बढ़ोतरी तुम देख नहीं सकते, ये तुम्हारी कपटता नहीं। मथत सिंधु रुद्र रहे और आये, सागर का मंथन हुआ, लक्ष्मी खुद ले ली और महादेव को बिचारे को जहर पिला दिया। लेकिन आज शेर को सवा शेर मिला है। नारद कहते हैं, आज ऐसी जगह पर तुम्हें तुम्हारी मुलाकात हो गई है, मेरे श्राप से नारायण तुम बच नहीं पाओगे। परम स्वतंत्र ने सिर पर कोई भावे, मन ही करो तुम सोई। तुमने ये सोच रखा है कि तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर के ऊपर कोई नहीं है, तो आज मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम कितने स्वतंत्र हो। तो भले ही मंद मंदे ही बल करहू, विश्व में हर वन ही कछु धरहू, का भले को बुरा और बुरे को भला कर देते, हृदय में हर्ष विषाद आहाहा। और उसी समय कह दिया, जैसे आज मैं पत्नी के लिए इतना दुखी हूं, मेरा श्राप है तुम्हारे लिए, तुम नारायण से धरती पर नर बनोगे, और जो तुमने मुझे बंदर का मुंह दिया, तुम्हारी पत्नी का हरण होगा और यही बंदर भालू तुम्हारी सहायता करेंगे। तब तुम्हें पता चलेगा नारद से ठानने में उसके परिणाम क्या निकलते हैं। मम अपकार कीन तुम भारी, नार बिरह तुम होए दुखारी, ये मेरा श्राप है तुम्हारा श्राप, शीश दर हर्ष ही प्रभु बहु विनती की, निज माया की प्रबलता कर्ष कृपा निदली। भगवान ने श्राप को अंगीकार किया और तत्क्षण भगवान ने अपनी माया को समेट लिया, और जैसे ही माया समेटी वहां नर और नारायण थे, बस वहां सेवक और स्वामी थे, वहां नारद और नारायण थे, और कोई तो वहां था ही नहीं। जैसे ये देखा माया सिमटी, नारद जी को भूल समझ में आ गई, नारद रोने लगे। नारद ने कहा, भगवान ये क्या हो गया? प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें श्राप दे दिया, मृषा होए मम श्राप कृपाला। भगवान मेरा दिया हुआ श्राप है वो झूठा हो गया, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं जल रहा हूं अंदर से, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, कृपा कर दो कि मेरा श्राप झूठा हो जाए। तो भगवान क्या बोले? भगवान नारायण कहते हैं, देवऋषि जी मेरी बात झूठी हो सकती है, लेकिन मेरे तपस्वी महात्माओं की बात झूठी नहीं हो सकती। संत वचन पत्थर कर लीक, साधुओं के शब्द तो पत्थर की लीक की तरह है, तुम्हारी बात कभी भी झूठ नहीं होगी। तुमने श्राप मुझे दिया है, मैं उसे अंगीकार करता हूं, मैं प्रसन्नता पूर्वक उसे स्वीकार करता हूं। और देवसी जी तुम्हारा मैं विवाह हो जाने देता तो बहुत बुरा हो गया होता, ये तो मुझे पता है कि किसके संग मुझे क्या करना है, ये संदेश है कथा का। जाई विद राखे राम, ताई विद रहिए।